एक बात कहूं? तुम्हें यूं परेशान देखकर मेरा दिल भी बुरा होता है, लेकिन बाबा जान ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, इस बात की खुशी भी है। खुशी? यही ना, पहले तुम्हें हमेशा डर रहता था मेरे पास आने के लिए, और अब तुम हमेशा मेरे साथ हो। किसी चीज की तो कमी थी मेरी जिंदगी में जो पूरी हो गई। मुझे हमेशा से ये डर था इमान के, जब अर्जुन को पता चलेगा तुम्हारे बारे में तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। खौफ ये भी था कि अब्बा जान तो बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि इस तरह से वो अपने आप से और सबसे दूर कर देंगे मुझे। तुम किसी से दूर नहीं हुए, तुम जब चाहो अर्जुन को यहाँ ला सकते हो, अम्मा जान से मिल सकते हो, और फाहम उससे तो तुम मिलते ही रहते हो। वैसे जब से तुम यहाँ आए हो तुमने अर्जुन को एक बार भी फोन नहीं किया, कहीं उसके फोन का इंतजार तो नहीं कर रहे? नहीं, सोचता हूँ मैं उसके सवालों का जवाब कैसे दूंगा। भले वो वहां बैठे ये सोच रही होगी कि तुम उससे दूर रहकर खुश हो, उसका दिल कितना बुरा होता होगा कि शायद तुम यही चाहते थे। लो फोन और उससे बात करो। जैसे याद किया उसका फोन आ गया। बात करो मेरी सौतन से। हेलो। मेरा नहीं तो मिनाल का भी ख्याल नहीं आया आपको? नहीं, वो मैं फोन करने ही वाला था। मैं कैसे मान लूं? ठीक कह रही हो तुम, आइंदा ये गिला नहीं होगा तुम्हें। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है आफाक, और ना ही आपको कोई गिला दूर करने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि आपने मिनाल के बारे में क्या सोचा। मिनाल सेफ तो है ना वहां पे? अभी तक तो सेफ है आफाक, लेकिन अगर बाबा जान को ये बात पता चल गई कि वो यही है इसी घर में मेरे कमरे में, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। अर्जुन फिर अब क्या किया जाए? मिनाल को यहाँ से ले जाइए, आज ही, आज रात को। लेकिन कैसे? आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं तसल्ली कर लूंगी कि बाबा जान सो गए, मिनाल को तैयार रखूंगी, आप आके ले जाइएगा। लेकिन आफाक ये सब काम रात 12 बजे के बाद होगा। ओके, ओके, बाय। बहू, इस वक्त यहां क्या कर रही हो? हाँ बाबा जान, कुछ भी नहीं। यहां आओ। अभी आई। मैं कह रहा हूं यहां आओ। बाबा जान अभी आई, मैं अभी आई, 2 मिनट। इधर आओ। आई बाबा जी। भाभी
पापा जान को पता चल गया है क्या? नहीं 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 पता चला। अच्छा तुम प्लीज रो नहीं, प्लीज मत रो मत रो। तुम एक काम करो, देखो हमें ना फौरन कपड़े चेंज करने होंगे, मुझे इसी वक्त बाबा जान के पास जाना होगा, प्लीज जल्दी से चेंज करो प्लीज। बाबा जान आपने बुलाया मुझे? क्या चल रहा? मैं समझी नहीं बाबा जान। ये पूरे घर में क्या करती फिर रही हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं कर रही। मेरे कमरे में क्यों आई थी? मैं आपके कमरे में नहीं गई बाबा जान। सच सच बताओ क्या चल रहा है? तुम कब से वेट कर रहा हूं मैं? दफा हो जाओ यहां से। उसके साथ जाना चाहती थी? हाँ मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं बाबा जान, वो बाहर आए थे बस, मैं उनसे मिलने ही जा रही थी। उसे कह देना कि यहां आने की जरूरत ना करे, वरना बहुत बुरा होगा। जब मैंने तुम्हें पुकारा था तो तुम कमरे में वापस क्यों चली गई थी? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। बाबा जान मैंने मेकअप बहुत ज्यादा किया हुआ था, मैं अपना मेकअप साफ करने के लिए गई थी, सिर्फ इसलिए कि कहीं आपको शक ना हो जाए कि बाहर आफाक आए हुए हैं। चलो तुम चुप रहो, वरना आवाज बाहर जाएगी। आज तक अभी सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मतलब मैं यहां से नहीं जा रही हूं। क्या हुआ? अब्बा जान कहां से आ गए? सब ठीक तो है वहां? हाँ सब ठीक है, लेकिन अब्बा जान मुझे नहीं पता वो कैसे उठकर बाहर आ गए। मैनाल तो ठीक है ना? हाँ वो बिल्कुल सेफ है। क्या अब्बा जान जाग रहे हैं? जाहिर सी बात है जाग रहे हैं ना। लाउंज में हैं क्या? नहीं अपने कमरे में चले गए, उन्हें ये लगा कि आप मुझसे मिलने के लिए आए और मुझे बातें सुना के चले गए। हाँ तो ठीक है, तो मैं काम करो, तो मैं नाल को लेके बाहर आऊँ। नहीं आफाक अभी ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल। अर्जुन मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जो अभी हुआ है और जो पहले भी हुआ था, मुझे शक है कि अब्बा जान को आइडिया हो गया है कुछ ना कुछ।
लेकिन आफाक, अगर तुमने अभी इसी वक्त मिनाल को मेरे साथ ना भेजा तो अब्बा जान चैन से नहीं बैठेंगे, वो पता लगा लेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो तुम एक काम करो, जरा से हिम्मत करो, बाहर जाके देखो अब्बा जान नाउज में अगर नहीं है तो मिनाल को लो और फौरन बाहर आ जाओ। ठीक है मैं कुछ करती हूँ। ठीक है मिनाल, देखो मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बाहर जाके सिचुएशन देखती हूँ और मैं तुम्हें इशारा करूँ तो तुम सीधी बाहर चली जाओ। ठीक है। आप लोग सेफली चले गए ना? हाँ रोड पर है। अल्लाह तेरा शुक्र है। सुनो अपना ख्याल रखना। शुक्रिया इतना पूछ लेने का। अर्जुमन मैं तो कहता हूँ कि तुम भी इस कैद से निकल आओ। मेरे लिए कैद नहीं, मेरा अपना घर है और मैं अपना घर छोड़कर किसी गैर के घर में जाकर नहीं रह सकती। किसी गैर का नहीं, मेरा घर है, तुम्हारे शौहर का और मेरी सौतन का। देखो अर्जुन तुम मेहमान को गलत मत समझो। मिनाल, ईमान भाभी। हाँ तुम्हारी ईमान भाभी, कितनी प्यारी है ये मिनाल। मेरी बहन जो है। जी नहीं, क्योंकि इसे मेरी नंद होना था इसलिए प्यारी है। चलिए आओ बैठो। सब कुछ ठीक से तो हो गया ना? कुछ मत पूछो ईमान। अब्बा जान बीच रात में पता नहीं कैसे उठ गए और कमरे से बाहर आ गए। बड़ी मुश्किल से बची है मिनाल। वो तो अर्जुमन ने हिम्मत की और फिर उसको बाहर निकाला वहां से। खुदा का शुक्र है कि ये काम भी खैरियत से हो गया। हाँ लेकिन खतरा भी टला नहीं है। क्यों बाबा जान क्या पीछे पीछे आ रहे हैं? हाँ यही समझो, अब्बा जान तो कहीं पर भी आ सकते हैं जैसे पिछली दफा आ गए थे। और सुनो तुम जरा दरवाजा ध्यान से देख के खोला करो, अगर आ गए ना अब्बा जान मिनाल की खैर नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो, अब अगर तुम भी आए
तो मैं 3 बार तसल्ली करके दरवाजा खोलूंगी। क्या हुआ, तुम अभी तक घबराई हुई हो? बस सोच रही हूँ कि इतना बड़ा कदम उठा लिया मैंने, पता नहीं आगे क्या होगा। क्या होगा? अरे भाई, तुम्हारी शादी होगी और क्या। आफाक भाई, वो सलमान ने आपसे कोई बात की इस बारे में? क्यों, उसने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, कई दिनों से मेरी बात नहीं हुई उससे फोन पर। चलो तुम परेशान मत हो, मैं उसे करता हूँ सुबह फोन। हेलो आफाक भाई, कैसे? ठीक हूँ, बस तुम्हारी खामोशी से खौफ आ रहा है। अच्छा ये बताएं, शाम में फ्री हैं? नहीं भी हुआ तो तुमसे मिलने तो जरूर आऊंगा ना। तो फिर एक काम कीजिए, फाहम को भी बुला लीजिए और प्लीज मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कर दें। सलमान, खैरियत है ना? जी हाँ, कुछ जरूरी बातें करनी है इसलिए कह रहा था। सलमान, सब ठीक है ना? आपको शाम को मिलकर ही बताऊंगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि मिनाल को वहां से निकाला है या नहीं? हाँ हाँ, मिनाल मेरे साथ है, मेरे घर पे है, बिल्कुल ठीक ठाक है। रियली? चलिए अच्छा हो गया, अब जो बात होगी ना उसके सामने ही होगी। सलमान, तुम इतना सस्पेंस ही क्रिएट कर रहे हो, जो भी बात है वो बता दो मुझे। मैंने कहा ना, आप मुझे अपना एड्रेस टेक्स्ट कीजिए, जो बात होगी वही होगी। ओके बाय। भाग भाई, भाई बड़े तेज निकले आप तो। आपने हमें पता भी नहीं लगने दिया और तीनों मिलके मिनाल को वहां से निकाल भी लाए। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सलमान से बात हो रही थी अभी, कुछ अजीब सा लहजा था उसका, कह रहा है कि शाम को मिलना चाहता हूँ आपके फ्लैट पे, और ये भी कह रहा है कि तुम्हें भी साथ लेके आऊं। तो अब जाके पता चलेगा ना असल बात क्या है। जी 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 साहब जी, जी मिनाल कहाँ? पता नहीं साहब जी, मुझे नहीं पता वो कहाँ। सच सच बता, मिनाल कहाँ? कसम खुदा की साहब जी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अच्छा तो तू इस तरह नहीं बताएगी? हाँ पता, तेरी गर्दन काट दूंगा वरना। मुझे नहीं पता, कसम खुदा की। इधर इधर बताओ। बाबाजान क्या कर रहे हैं आप? पीछे हट जा फाहम, मेरे सर पे खून सवार है, हट जाओ तुम लोग। बता बाबा जान, आप ऐसा नहीं कर सकते। चुप करो तुम बता, वरना तेरी गर्दन काट के तुझे यही दफन कर दूंगा। बाबा जान चुप, बता।
हो गई तसल्ली आपकी? किसी की गर्दन पर इस तरह छुरी रख के अपनी मर्जी का सवाल करेंगे तो आपको वही जवाब मिलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। अब मेरी गर्दन पर छुरी रख के अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं भी शायद आपको यही कह दूंगा कि मीनाल मेरे रूम में। मगर सच तो यह है कि बाबा जान आप चुप, बिल्कुल खामोश। बहू इस वक्त यहां क्या करेंगे? बाबा जान कुछ भी नहीं। यहां आओ, मैं कह रहा हूं यहां आओ। बाबा जान अभी आई, मैं अभी आई, दो मिनट। इधर आओ। अर्जुन कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रहा हूं मैं? मीनाल को तुमने कल रात को भगवाया था ना? नहीं बाबा जान, बाबा जान ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मान लो, अभी मान लो, वरना मैं साबित करने लगा हूं। बाबा जान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। रजिया, चौकीदार को बुलाओ। जी साहब। चौकीदार को बुलाओ। सादी अंदर बुलाए। अच्छा अच्छा ठीक है, पर तू इतना काम क्यों रही है? कुछ भी नहीं हुआ, बस तू अंदर चल। चल। अच्छा एक मिनट बात सुन मेरी, तू ये बंदूक ना अपनी यही रख कर जा। क्यों? तूने सुना नहीं? तू बंदूक अपनी यही रख के जा, तुझे पता नहीं अंदर क्या होने वाला है। अरे तू चल, छोड़ इसको। जी साहब आपने बुलाया? कल रात आफाक यहाँ आया था, क्या ये सच है? जी वो आए थे। और फिर अंदर से एक बीवी निकल कर आई और उसके साथ चली गई, क्या ये सच है? जी ये भी सच है। कौन थी वो बीवी? जी साहब वो तो पता नहीं, इसलिए कि बीवी ने निकाब किया हुआ था। आप बताओ, इसके गले पे तो मैंने छुरी नहीं रखी हुई, तो फिर ये वो क्यों बोल रहा है जो मैं सुनना चाहता हूं? अब तुम क्या कहोगी? बाबा जान मैं थी जो आफाक के साथ गई थी। तो तुम अब भी सच छुपाओगी? नहीं बाबा जान, मैं सच कह रही हूं। आफाक ने मुझे मजबूर कर दिया था अपने साथ चलने के लिए। फिर तुम वापस कब आई? मैं बाबा जान सुबह होने से पहले आ गई थी घर। जो बीबी आफाक के साथ गई थी वो वापस आई थी? नहीं साहब, जब तक मैं ड्यूटी पर था बीबी वापस नहीं आई थी। तुम ड्यूटी पर कब तक थे? मैं सुबह 8 बजे तक था। बीबी कह रही है कि सुबह होने से पहले वो वापस आ गई थी, तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं साहब, मैंने 8 बजे तक किसी के लिए गेट नहीं खोला था। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी आंख लग गई हो और बीबी बेल बजा बजा कर थक गई हो, और शायद उन्होंने दीवार फलांग कर अंदर आ गई हो और तुम्हें पता न लगा हो। नहीं साहब, मैं ड्यूटी के दौरान कभी नहीं सोया। झूठ बोल रहे हो तुम कल रात ड्यूटी के दौरान सो गए थे। साहब मुझे जिंदगी में अपने बच्चे से प्यारा कोई भी नहीं है। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि कल सारी रात मैं जागा हूँ। बीबी गई जरूर थी लेकिन वापस नहीं आई। सुन लिया तुम सब लोगों ने, ये क्या कह रहा है? या अब भी मुझे कुछ करना पड़ेगा? इन सब में से कोई घर से बाहर ना जाने पाए। इन में से कोई भी घर से बाहर निकला तो तुम उसे गोली मार दोगे। क्या करोगे बोलो? गोली मार दूंगा। खाओ अपने बच्चों की कसम। जी अपने बच्चे की कसम खाकर बोलो कि कोई बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो तुम उसे गोली मार दोगे।
मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं कि मैं गोली मार दूंगा। सुनो मुझे जाने दो साहब, मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं इस वक्त ड्यूटी पर नहीं, अपनी मजबूरी पर हूं। वैसे एक बात है, सलमान ने प्लानिंग बहुत दूर की सोची। अरे इस वक्त कौन आ गया, मैं देखता हूं। पापा जान, आप पापा जान, संभालो अपने आप को। चला गया पापा जान, चला गया। ईमान प्लीज, हो ईमान, ईमान कुछ नहीं होगा तुम्हें, ईमान। फहम फहम, खुदा के लिए कुछ करो वरना पता नहीं वो क्या कर देंगे। उम्मीद है कुछ नहीं हुआ होगा। आफाक भाई ने तय किया था कि वो बाबा जान के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। यहाँ खड़े होकर बातें बनाने से बेहतर है कि कुछ करो वरना पता नहीं क्या कर देंगे वो। तो क्या कर सकता हूँ मैं? देख लिया ना आपने कि बाबा जान कितने सफाक है, हम सबको गन पॉइंट पर यरगमाल बना के चले गए यहां से। किस लिए? अपनी अना और अपनी जिद के लिए। क्या बिगाड़ा है मीनाल ने उनका? सिर्फ ये कि वो इस घर में पैदा हुई है। ये खेल मैं कब का खत्म कर चुका होता अगर आप मुझे मजबूर ना करते। इस घर में जो मर्तबा हम बाबा जान को दे रहे हैं वो बिल्कुल इसके काबिल नहीं है। बाप नहीं है वो, हमारे ठेकेदार है हमारी जिंदगियों के वो। खुदा के वास्ते से जाने दो वरना वो मेरी बेटी की जान ले लेंगे। मत करें मिन्नतें समाजते, जो होना था हो चुका होगा। या तो वो मिनाल को खत्म कर चुके होंगे या फिर इरादे कत्ल के जुर्म में अपने आप को पुलिस के हवाले कर चुके होंगे वो। अल्लाह मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? खुद को संभालो मीनाल, सब ठीक हो जाएगा। भाई अगर भाभी को कुछ हो गया ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। अगर ईमान को कुछ हुआ ना तो मैं अब्बा जान को माफ नहीं करूंगा। अपनी बहू पर गोली चलाती हुए जरा शर्म नहीं आई आपको? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मैं तो सब पता चल जाएगा जब सुबह यानी शाहिदीन आएंगे। नजर आलम, यस सर। ले जाओ इन्हें और लॉकअप कर दो। मगर मेरा मतलब है कि आप लेके जाओ इन्हें। आप मेरी बात तो सुने ना, आप पहले, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ आप मेरी बात सुने। हाँ सलमान, नहीं यार, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है,
हाँ मिनाल तो मेरे साथ ही है, यहीं पर है। ठीक है, वो सुनो एक फेवर दे सकते हो प्लीज, घर जाके जरा मुझे कॉल करवा दो किसी से, मैं ट्राई कर रहा हूँ, सबके नंबर्स बंद हैं। थैंक यू यार, दुआ करना। हाँ ओके। ये सब क्या? इसे छोड़ो, ये बताओ कि मिनाल ठीक है ना? और तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे आए हो? आफाक भाई की कॉल आई थी मेरे पास, वो तुम सब लोगों को कॉल करें लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि घर जाके देखो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये सब आप लोगों को यहाँ यरगमाल बनाया हुआ है। इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि मिनाल ठीक है ना? मिनाल ठीक तो है ना? आंटी मिनाल ठीक है, बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन 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 क्या? लेकिन ईमान भाभी, क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। गोली लगी उन्हें। क्या गोली लग गई ईमान को? ये सब कैसे हुआ? निशाना तो मिनाल को बनाया गया था, लेकिन ईमान भाभी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। लेकिन आप लोग बेफिक्र रहें, ईमान भाभी ठीक हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और बाबा जान वो कहाँ है? वो कहाँ है बताओ ना, है कहाँ वो? आंटी उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है। या खुदाया, ईमान भाभी पर गोली चलाने के जुर्म में। सर ये आ गए सर, इन्हीं की बीवी को गोली लगी। और ये बैठिए। अच्छा तो आप इन शाहिद इस वाकये के? जी। और मुलजिम के बेटे भी हैं? जी। तो आप मुद्दई बनना चाहेंगे इस मुकदमे के? होगा क्या इस मुकदमे में? होना क्या है, 307 का केस बनेगा, सुबह जेल भेज दिया जाएगा और फिर जो करना है अदालत ने करना है। अब आप बताएं आप क्या करेंगे, मैं मुकदमा दर्ज करूं? कितनी सजा हो सकती है? तकरीबन 5 साल।